सारे दिन हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन के सोमवार की पूजा विधि। सावन के सोमवार में उपवास में हम क्या खाएं, इसमें के पूजा में क्या करना चाहिए, भगवान शिव पर हमें क्या चढ़ाना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो पर बनी रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता है सावन चल रहा है ना। हिंदू धर्म में सावन का बहुत बड़ा महत्व है। सावन आते ही सबके घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस महीने सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार भी होते हैं। जन्माष्टमी होती है, रक्षाबंधन, सबसे बड़ा त्यौहार तो रक्षाबंधन होता है ना, रक्षाबंधन भी होती है, तो सबके घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और लोग सावन के सोमवार का व्रत भी रहते हैं, इसकी पूजा विधि भी के लिए सामान भी इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के सोमवार का व्रत आप किस तरह से रहें। सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और सारा दिन हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर हमें अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, उसके बाद हमें साफ स्नान करके साफ कपड़े पहनना चाहिए, इतना करना चाहिए। उसके बाद हमें जिस जगह पर भी हमारा मंदिर है वहाँ की भी हमें अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, वो हम स्नान करने के बाद ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ओके, तो हमारे घर में जिस जगह पर भी हमारा मंदिर है वहाँ की हम अच्छे से सफाई करेंगे, और जो भी हमारे मंदिर में भगवान है उनको वो भी हम नहला कर साफ कपड़े पहनाएंगे, अपने मंदिर को पूरा अच्छे से साफ करेंगे। अगर आपके मंदिर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, उस पर दूध गंगा जल चढ़ा सकते हैं, है ना। और जो भी हम आप भगवान को स्नान करवाएंगे उसके पानी में थोड़ा सा गंगा जल और दूध को मिलाएंगे, फिर हम सारे भगवान को स्नान करवाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, भगवान शिव पर हमें बेलपत्री, धतूरा और अफीम जो आते हैं, अफीम के पत्ते, वो बेलपत्ती, धतूरा, अफीम, फूल मार्केट में आपको सब मिल जाएगा। और अगर आप गांव में हैं तो गांव में तो सब चीज़ मिल ही जाती है बहुत ही आसानी से, और आजकल तो शहरों में भी ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और जो कि हमें भगवान शिव पर चढ़ानी होती है। वैसे इस पूजा में कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि हमें ये करना है वो करना, बहुत ही सिंपल पूजा होती है। सोमवार की जो पूजा होती है भगवान शिव की, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता है। बस अगर आप व्रत हैं उस दिन थोड़ी खास हो जाती है पूजा, क्योंकि उस दिन हमें भगवान शिव पर सब कुछ चढ़ाना होता है। और हाँ, इस चढ़ाने के बाद हमें उस भगवान शिव पर चंदन लगाना चाहिए। हमें भगवान शिव पर कभी भी सिंदूर या रोली नहीं लगाना चाहिए, शंकर भगवान पर हमेशा हमें चंदन ही लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है शंकर भगवान बहुत ही ज़्यादा गुस्साएले हैं ना, तो उनको ठंडा करने के लिए हम चंदन लगाते हैं, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, इसलिए हम चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद हम उनको भोग लगाएंगे, भोग में मीठा कुछ भी ले लीजिए, आप अपने घर की बनी हुई चीज़ ले लीजिए, बाजार में मेवे से खोया से बनी हुई मिठाई आती वो ले लीजिए, लेकिन हम अन्य से बनी हुई कोई भी मिठाई नहीं लेंगे, क्योंकि इस व्रत में हम एक समय ही भोजन करते हैं, दोनों टाइम नहीं करते हैं। और बस हमें भगवान पर भोग लगा देना है, सब चीज़ भगवान पर चढ़ा देना है, उसके बाद हमें भगवान की आरती करनी है, और कथा कहनी है आपको तो कथा भी आप कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपको कथा कहनी है तो आप कथा कह लीजिए, नहीं तो भगवान की आरती कर लीजिए। उसके पहले भोग लगाना है, फिर आरती करना है, और बस हमें सारे दिन जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और अपने मन में जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले अपने मन में संकल्प लेते हैं, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के हमारी पूजा पूरी नहीं होती है। तो जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, अपने मन में संकल्प लेते हैं पहले, उसके बाद हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं। और फिर सारे दिन हमें अन्न नहीं खाया जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, बस हम एक टाइम नमक खाते हैं, एक टाइम अन्न खाते हैं। और आजकल क्या है, लोगों के ऊपर है कि सभी लोग सेंधा नमक खा लेते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक टाइम ही इसमें नमक खाते हैं, एक टाइम ही अन्न खाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, शाम को पूजा करने के बाद हमें भोजन करना चाहिए। और शाम की पूजा भी सिंपल तरीके से है, बस आपको भगवान का भोग लगाना है और भगवान की आरती करनी है और भगवान का भोग लगाना है, और जो भी आप अपने लिए भोजन बनाएंगे उसका भोग भी अपने शंकर भगवान पर लगाना है। बस इस तरह से इसकी पूजा होती है।
सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए। और सावन का जो सोमवार होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, इसलिए सावन के सोमवार का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। और शाम की पूजा करने के बाद हमने अपने लिए जो भी भोजन बनाया उसको हम ग्रहण करेंगे। सूर्यास्त होने से पहले ही हम अपना भोजन करेंगे और अपना व्रत को पूरा करेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि दोनों टाइम उनको होता है ना कि उनके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती है कि वो एक टाइम भोजन करें, तो इस व्रत में अन्न हम एक टाइम ही ग्रहण करते हैं, दोनों टाइम हमें नहीं लेना। अगर हम दोनों टाइम अन्न लेंगे तो हमारा व्रत रहने से क्या फायदा है ना, तो अन्न हम एक ही टाइम लेंगे। बाकी सेंधा नमक आप दोनों टाइम ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं सेंधा नमक, बाकी अन्न हम एक ही टाइम लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।